For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. फिल्मों के मामले में 2017 कुछ खास नहीं रहा दोस्तों, बहुत ही एवरेज गया था। 2017 में बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में आई थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सकी। ऐसे में दोस्तों उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं 2018 से, और 2018 ने सबकी उम्मीदों पर एक पूरी तरीके से खरा उतरने की कोशिश की है। आपको बता दूं 2018 में अभी तक की जो है बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आ गई हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर ट्रिमेंडस बिजनेस किया है। चलिए इस वीडियो में मैं बात करूंगा टॉप 5 ऐसी फिल्मों की जिनका ओपनिंग डे सबसे ज्यादा हाई रहा। पीछे से शुरुआत करते हैं दोस्तों, यानी कि नंबर 5 से। नंबर 5 पर आती है दोस्तों अनुष्का शर्मा की परी। 2 मार्च यानी कि होली के दिन अनुष्का शर्मा ने हमें बॉक्स ऑफिस पर डराने के लिए बुलाया और वो लेकर आई परी। दोस्तों परी ने अच्छा बिजनेस किया है। अगर मैं फर्स्ट डे कलेक्शन की बात करूं तो परी ने 4.36 करोड़ का ट्रिमेंडस बिजनेस किया। सही है यार, क्योंकि फिल्म है ना जो कम बजट की बनी थी और अच्छा है, इतना पहुंच रही है। अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पे है दोस्तों सोनू के टीटू की स्वीटी। कार्तिक आर्यन, नुसरत भरूचा और सनी सिंह, ये तीनों मेन कलाकार थे इस फिल्म के अंदर। आलोक नाथ भी थे हमारे संस्कारी आलोक नाथ सर, बट इसमें संस्कारी नहीं थे हाँ वो। तो इस फिल्म को भी अच्छी ओपनिंग मिली है दोस्तों, और स्पेशली यूथ की तरफ से इस फिल्म को बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है। ओपनिंग डे की बात करूं यानी कि फ्राइडे की बात करूं तो फिल्म ने दोस्तों 6.42 करोड़ का ट्रेमेंडस बिजनेस किया। वाह। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर हैं अजय देवगन साहब। अजय देवगन साहब लेकर आते हैं रेड। इस साल 2018 की उनकी पहली फिल्म है ये रेड दोस्तों, और रेड ने बॉक्स ऑफिस पर 10.04 करोड़ का बिजनेस किया, जो कि अच्छी बात है। देखो ये धीरे धीरे है ना फिल्में अच्छा बिजनेस कर रही हैं, आई एम श्योर 2018 अच्छा जाएगा। सेकंड पोजीशन पे है दोस्तों पैडमैन यानी कि अक्षय कुमार। अक्षय कुमार की पैडमैन आती है दोस्तों। पहले तो अक्षय कुमार ने ऐसे ही लोगों का दिल जीत लिया था जब उन्होंने पद्मावत के साथ क्लैश नहीं किया और फिल्म को थोड़े बाद में रिलीज किया, पोस्टपोन कर दिया था। अक्षय कुमार की पैडमैन ने दोस्तों 10.26 करोड़ का बिजनेस किया ओपनिंग डे। और पहले नंबर पर कौन है? ऑफ कोर्स यार, रानी पद्मावती की फिल्म यानी कि पद्मावत। पद्मावत ने दोस्तों, सबसे पहले बता दूं पद्मावत थर्सडे को हुई थी रिलीज, लेकिन उससे पहले वेंसडे को प्रीव्यू शोज चले थे। तो थर्सडे का जो एक्चुअल फिगर आया था वो था 19 करोड़ का। लेकिन अगर मैं वेंसडे के पेड प्रीव्यू शोज को मिला के बताऊं दोस्तों, तो फिल्म ने 24 करोड़ का ट्रेमेंडस बिजनेस किया अपने पहले दिन। बहुत अच्छी बात है यार। मैं तो उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आगे भी आने वाली जो फिल्में हैं अच्छा बिजनेस करें बॉक्स ऑफिस पर, और इस साल 2018 में सबको, प्रोड्यूसर्स को, एक्टर्स को, दर्शकों को, सबको मतलब है ना पूरा मनोरंजन तो मिले, साथ ही साथ वो पैसे भी छापे यार, क्योंकि 2017 में बड़ा लॉस हुआ। बाय गॉड, आपको क्या लगता है दोस्तों मुझे जरूर बताना। एंड आगे आने वाली फिल्मों में जो आने वाली हैं, कौन कौन सी बड़ी बड़ी फिल्में हैं यार, डॉग्स ऑफ हिंदुस्तान, जीरो, रोबोट 2.0, अपनी रेस 3, जो भी कहना है, जिस फिल्म के लिए एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन आपका जरूर बताना। एंड फॉर मोर फिल्मी अपडेट्स वॉच चैनल फिल्मी आरा विद मी। मैं हूं ना राहुल भोज। बाय।